हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। हीलियम से आवाज चेंज होती है, इस पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी। जो आवाज है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है। उसके अंदर काफी लोगों के कमेंट आए कि भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपने जो वीडियो बनाई है वो कहीं ना कहीं फेक है। अरे भैया, हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना वो फेक नहीं होती। आज आपको एक रियल एग्जांपल दिखाएंगे, रियल टेस्ट करेंगे, लेकिन हीलियम का तो आपने देख रखा है, इसीलिए हमारे पास एक दूसरी गैस है। देखो, हीलियम से क्या होता है, लड़के की आवाज़ लड़की में बदल जाती है, लेकिन हमारे पास दूसरी गैस है जिससे लड़की की आवाज़ में भी लड़के के अंदर बदल सकती है। तो गाइस यार, ये है SF6 यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये भी नॉन टॉक्सिक होती है, यानी कि ये जहरीली नहीं होती है। अगर आप इसे इनहेल करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, वैसे इनहेल नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ है प्राची जी। आ जाओ मैम, आ जाओ, वेलकम। तो प्राची जी के साथ ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। पहले आप इन्हें कुछ बोल के दिखाइए, हमारी ऑडियंस क्या है ऐसे विश्वास ही नहीं करती, तो आप उन्हें कुछ बोल के दिखाओ कि आपकी आवाज अभी कैसी है। ओके, हाय गाइस, आई एम प्राची एंड आज मैं इनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। नहीं, मैं इनके साथ करने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ है, तो देखो प्राची, इन्होंने इससे पहले इस चीज को ट्राई नहीं किया तो मैं आपको कुछ गाइड करता हूँ। ये बहुत भारी टंकी है, मैं ही उठा लूंगा, आपको नहीं बोलूंगा। तो मैं इसे खोलता हूँ, देखो, और इसके अंदर मैं गैस भरूंगा जिसे SF6 बोला जाता है। ठीक है, आर यू नर्वस? वेरी मच। कोई टेंशन वाली बात है नहीं, हॉस्पिटल पास में ही है। मेरी आवाज वापस सही हो जाएगी ना? पहले चेंज तो करने दो। तो देखो, मैं इसके अंदर, इस गुब्बारे के अंदर भर रहा हूँ। देखो, बस इतना काफी रहेगा, इसे पकड़ो। अभी देखो, इसके अंदर मैं नॉर्मल हवा भर रहा हूँ मुंह से, तो आपको क्या करना है, आपके मतलब जो अंदर जो आपने सांस ले रखी है उसे आउट करना है। देखो, ऐसे ब्रीथ आउट करना है, उसके बाद में इसके अंदर जो है ना इसे ब्रीथ इन करना है। ऐसे आवाज भी आ सकती है तो ना घबराना नहीं है ना। उसके बाद में आपको कैमरे की तरफ देख के कुछ बोलना है, ठीक है? आर यू रेडी? ओके, चलो शुरू करते हैं। ब्रीद आउट, ठीक है, आराम से, कोई लोड नहीं, आराम से, हाँ आराम से, कोई इशू नहीं है। हाँ, जा ले, अंदर जान दो अंदर तक। हाँ, अभी कुछ बोल के दिखाओ, चलो। तो गाइस यार, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्टीव जॉब्स, कौन नहीं जानता उन्हें, उन्होंने एक बार कहा था कि भाई जो वक्त है ना वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, सो डोंट वेस्ट इट बाय लिविंग समवन एल्स लाइफ। जी हाँ गाइस, मैं स्टीव जॉब का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उनकी कही हुई बातें, उनकी लिखी हुई जो बुक्स है, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है अपनी लाइफ के अंदर कुछ हटके करने के लिए, या फिर जो टाइम है उसका सही से उपयोग करने के लिए। इसीलिए मैं इनकी लिखी हुई बुक्स को सुनता हूँ। जी हाँ गाइस, मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ता काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। अगर आप भी पढ़ने बैठेंगे तो काफी ज्यादा बोर हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर इनकी बुक्स को आप खरीदेंगे तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी, इसीलिए मैं इन्हें सुनता हूँ। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कुकू FM की मदद से। गाइस यार, कुकू FM एक बहुत ही बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 1000 से ज्यादा बुक्स ऑडियो फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगी, जिन्हें आप सुन सकते हैं। जी हाँ गाइस, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हैं, हेडफोन लगाए सुनते रहो। आप मान लो कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हेडफोन लगाया सुनते रहो। मान लो कि आप फ्री बैठे हुए हैं, आपने बस चला दिया कुकू FM और आप बुक्स सुनते जा रहे हैं। आपको सुनते सुनते ही जो बुक्स है उनकी नॉलेज आती जा रही है, और आप बोर भी नहीं होंगे, और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा। इसीलिए बुक्स को पढ़ने से ज्यादा सुनना अच्छा रहता है, और सुनने के लिए कुकू FM। जी हाँ गाइस, जहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएगी। तो गाइस यार, कुकू FM जो है उसकी जो प्राइसिंग है वो भी काफी ज्यादा कम है, 400 रुपए मात्र एक साल के अंदर आपको बस 400 रुपए देने हैं और आप बहुत सारी बुक्स को सुन पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से कुकू FM की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और मेरा कोड HEC50 यूज करते हैं, तो जो शुरुआत के 250 लोग होंगे उन्हें 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि मात्र आधी रेट के अंदर ही आपको कुकू FM का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो गाइस यार, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से इसे डाउनलोड करो, बहुत सारी बुक सुनो, नॉलेज गेन करो, और अपनी लाइफ के अंदर कुछ हटके करो। हाँ, अभी कुछ बोल के दिखाओ, चलो। हाय गाइस। तुम बोलो ना, कुछ बोलो। ये क्या हो रहा है? कोई गाना गा के सुनाओ। ये कंफ्यूज्ड है, अभी ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है कि भैया हो क्या गया है। चलो और थोड़ा सा और।
हाँ अभी कोई गाना गा के सुनाओ। तुझे देखा तो ये दीवाना सनम। तो गाइस ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, इससे आवाज चेंज होती है। हीलियम ने क्या इफेक्ट किया था, हीलियम ने मेरी आवाज को लड़की की तरह कर दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्ल की जो आवाज है वो बदल गई है और वो बदल के हो गई है। क्या आप एक्टिंग कर रहे थे? नहीं ना, बिल्कुल रियल था, नॉट एट ऑल। अभी भी हल्का हल्का सा असर है। तो देखो होता ऐसा है, जब तक गैस अंदर रहती है तब तक ऐसी आवाज आती है, जैसे ही गैस बाहर निकल जाती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो ये जो गैस है ना, ये नॉर्मल हवा से काफी ज्यादा भारी होती है। भारी होने की वजह से वॉइस के अंदर, वोकल्स के अंदर कुछ इस तरीके का चेंज आ जाता है। एक लास्ट बार। हेलो अभी नॉर्मल है पूरा। कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद जय भारत बोल दो। क्या? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो गाइस यार आई होप अब आपको विश्वास हो गया होगा। इस ट्रिक को हमने मैम के साथ भी करके देख लिया, मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ एक बार कि मेरी आवाज के अंदर कैसा चेंज आता है जब लड़का कोई इसे ट्राई करता है तब। अगर देखो लड़की की आवाज तो लड़के जैसी हो जाती है, अब लड़के की आवाज कैसी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जय हिंद जय भारत। लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब के लिए तो बोल दो। चलिए ठीक है, जान दो। हाँ बस ठीक, बोलो क्या बोलो। अपना नाम ही बोल, तेज बोल। माय नेम इज करण। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। नेक्स्ट मूवी का विलन लग रहा हूँ। चले मूवी के। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मिस्टर दिलराज? ही इज एन अमेजिंग पर्सन। थोड़ा और नेल कर फिर बोलते हैं। मैं आगे निकलता हूँ काम करके।